हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक मार्केट के जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर हैं वो कौन से रहने वाले हैं, और साथ में जो इस वीकेंड के ऊपर बड़ी खबरें आई हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो ये मार्केट के अंदर ओपनिंग के साथ में ही आपको देखने को मिलने वाला है इनका इम्पैक्ट, और साथ में जो यहाँ पे मैं ट्रिगर की बात करूंगा तो वो डेट वाइज आपको कौन कौन से दिन आपको ध्यान में रखने हैं, उन दिनों के अंदर वहाँ पे जो मार्केट है उसके ट्रिगर हैं वो न्यूज़ है वो आने वाली हैं। तो अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है, साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो ट्रिगर हैं उनको एक एक करके हम देख लेते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और कब ये आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीआई की पॉलिसी, ठीक है। और आरबीआई की पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे डेट आपके सामने है 3, 4 एंड 5, ठीक है। यानी कि जो 5 अप्रैल है 10 AM पर आरबीआई की पॉलिसी है वो आएगी, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट डे है 5 अप्रैल पूरे मार्केट के लिए, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब देखो अनचेंज रहेगी जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उनको कट भी नहीं करेंगे और इंक्रीज भी नहीं करेंगे, सभी ये मान के चल रहे हैं। लेकिन आगे इंटरेस्ट रेट को कट कब करना है, उसका आउटलुक किस टाइम पे देते हैं, किस प्रकार का देते हैं, ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का देते हैं, जीडीपी आउटलुक किस प्रकार का देते हैं, और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर है 2025, वो न्यू फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो रहा है, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे बोलने वाले हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। साथ में आप देख सकते हो कि ये जो पॉलिसी है इसके अंदर इन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। जो सीपीआई आया था, ठीक है, फरवरी का, जो कि 5.09% आया था, 5.10% से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो घट के आई थी थोड़ी, और साथ में कोर इन्फ्लेशन की अगर बात कर लें तो इन्फ्लेशन में से फूड वाली और फ्यूल वाली ये दोनों इन्फ्लेशन को हटा देते हैं तो 3.6% से ये यहाँ पे 3.3% के करीबन आई है, तो ये कोर इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होके आई है। तो ये सारी चीजें आरबीआई गवर्नर साहब अपने दिमाग में रखेंगे और फिर ये पॉलिसी यहाँ पे बनने वाली है, और फिर देखेंगे कि मार्केट के अंदर ये किस प्रकार की इम्पैक्ट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका आउटलुक किस प्रकार का देते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ट्रिगर है उसकी हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट ट्रिगर है वो भी इंडिया के ही डेटा है, ठीक है। और कौन कौन से डेटा है देखो, यहाँ पे एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है वो आएगा मार्च का, जो कि 2 अप्रैल को आएगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 22 मार्च तक का डेटा के हिसाब से ये 5 अप्रैल को आएगा। तो 5 अप्रैल को ही आरबीआई की पॉलिसी है, ठीक है, ये आरबीआई की पॉलिसी भी 5 अप्रैल को है और ये जो डेटा है वो भी 5 अप्रैल को ही आएगा। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बैंक निफ्टी के लिए और बैंक्स हैं उनके लिए। तो बैंक निफ्टी अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो उसके अंदर जो बैंक हैं वो काफी हैवी वेटेड हैं, तो निफ्टी को भी ऊपर नीचे करते हैं, तो इनका आपको ध्यान में रखना है। साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के डेटा हैं, जो कि 29 मार्च तक के जो हैं उन उन डेटा के अकॉर्डिंग 5 अप्रैल का, 5 अप्रैल पे ये यहाँ पे डेटा भी जारी किया जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रिगर है उसकी बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट है इंडिया के अंदर जो ऑटो सेल्स के नंबर है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, एक तो ये मैंने आपको बोल ही दिया है, और साथ में जो ऑटो सेल्स के नंबर है मार्च में किस प्रकार की यहाँ पे गाड़ियों की बिक्री हुई है, ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, हीरो मोटो, आइसर, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड टीवीएस मोटर, ठीक है। अब देखो ब्रोकरेजेज है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो 2 व्हीलर है उसके अंदर तो डबल डिजिट ग्रोथ आने वाली है, और 2 व्हीलर आप देख सकते हो कि टीवीएस मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ठीक है, और आइसर मोटर जो रॉयल एनफील्ड है वो भी आप मान सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो सिंगल डिजिट के अंदर ग्रोथ आएगी पैसेंजर व्हीकल के अंदर, ठीक है। तो पैसेंजर व्हीकल कौन कौन सा बनाता है, अशोक लेलैंड बनाता है,
साथ में आप देख सकते हो कि जो टाटा मोटर है वो भी बनाता है, तो ये बना और पर्सनल व्हीकल भी होते हैं तो वो मारुति सुजुकी भी बनाता है, तो इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये मान के चल रहे हैं जो ब्रोकरेजेज हैं वो ट्रैक्टर सेल के अंदर और कमर्शियल व्हीकल के अंदर, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रैक्टर सेल के अंदर थोड़ा सा डाउन साइड का मान के चल रहे हैं। तो ट्रैक्टर सेल यहाँ पे आप देख सकते हो महिंद्रा के ट्रैक्टर होते हैं, और साथ में आप देख सकते हो कि जो ट्रैक्टर बनाती है वो M&M हो गया, ठीक है, और जो एस्कॉर्ट कुबोटा है वो भी यहाँ पे बनाती है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। और जो कमर्शियल व्हीकल की बात कर लेते हैं तो कमर्शियल व्हीकल के अंदर आप देख सकते हो कि अशोक लेलैंड भी कमर्शियल व्हीकल बनाता है, आइसर भी बनाता है, और साथ में टाटा मोटर भी बनाता है। तो ये सारी चीज कंपनियों के ऊपर आपको फोकस करके रखना है। और ये डेटा आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट से लेकर के सेकेंड जो यहाँ पे अप्रैल है उस दिन आने वाला है इनका डेटा, तो ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है, इन कंपनियों के ऊपर आप फोकस करके रख सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला ट्रिगर है वो रहने वाला है मार्च का जो जीएसटी कलेक्शन का डेटा है, ठीक है, मार्च का जीएसटी कलेक्शन का डेटा है वो आने वाला है। और ये जो आप देख सकते हो मार्च 2023 जो यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये 1.6 लाख करोड़ के करीबन ये यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसके अंदर ईयर ऑन ईयर 12% की इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये यहाँ पे पहले का डेटा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जीएसटी का डेटा मार्च के अकॉर्डिंग किस प्रकार का आने वाला है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे, ठीक है, ये एक अप्रैल का आउटलुक आएगा, मार्च का यहाँ पे अभी ये डेटा है। अभी आप देख सकते हो कि जीएसटी का जो यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसका यहाँ पे जो येलो कलर की लाइन है वो है, ठीक है, और आप देख सकते हो कि प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर ये जो स्काई ब्लू कलर है ये वाली लाइंस है इनके अंदर आप देख सकते हो कि हर बार यहाँ पे जो इस बार फाइनेंशियल ईयर के अंदर हर मंथ क्या हुआ है जो जीएसटी कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.6 के करीबन यहाँ पे आ रहा है, तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर जो एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि ये यहाँ से 2 से 3 गुना भी हो जाएगा, यानी कि 3 लाख करोड़ पर मंथ का भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये किस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये एक चीज जो एक इंफॉर्मेशन हो गई, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट वाला ट्रिगर है उसकी। तो नेक्स्ट वाला ट्रिगर है फेडरल चेयरमैन की स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीच की मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्पीच के अंदर कब कब इसकी इनकी स्पीच है वो आने वाली है, तो 29 जो मार्च है उसको भी स्पीच थी तो उसके अंदर क्या बोला, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो इंफॉर्मेशन है ये भी है कि इनकी स्पीच अभी और भी आने वाली है, तो आप देख सकते हो कि अप्रैल 3 को इनकी स्पीच आएगी, और अप्रैल 3 से यहाँ पे 3, 4 और 5 को RBI की पॉलिसी भी है, तो इनकी स्पीच के ऊपर भी कुछ ना कुछ डिसीजन हो सकता है। तो देखो, तो आप बोलोगे कि यार पहले तो आप बोल रहे थे कि 29 मार्च को स्पीच थी, हाँ बिल्कुल 29 मार्च को स्पीच थी, लेकिन अभी भी यहाँ पे 3 अप्रैल को भी स्पीच होने वाली है, और कई सारे फेडरल के रिजर्व के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी नेक्स्ट वीक स्पीच होने वाली है, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ बोलते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो लास्ट वीक स्पीच थी जो अभी चला गया उस स्पीच के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये स्पीच थी, इसके अंदर जो यहाँ पे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा है कि हम जो इंटरेस्ट रेट है उनके कट करने के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन है उसकी कंसिस्टेंसी हम देखेंगे कि वो 2% के पास में आ रही है या नहीं आ रही, तो ये चीज उन्होंने कही है, ठीक है। हाँ ये भी कहा था जो पॉलिसी आई थी, ठीक है, तो उस पॉलिसी के अंदर इन्होंने कहा था कि 24 के अंदर जो 2024 है उसके अंदर 3 रेट कट होंगे, और उन 3 रेट के अंदर आप देखोगे कि एक्सपर्ट ये मान के चल रहे थे कि जून के अंदर ये जो कट हैं वो शुरू होने वाले हैं, लेकिन इनकी तरफ से इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे बयानबाजी नहीं हुई है। अब देखना होगा कि 3 अप्रैल को ये क्या बोलते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो ट्रिगर है उनकी, तो यहाँ पे छोटे छोटे ट्रिगर्स आप देख सकते हो, ये भी आपको ध्यान रख सकते हो। यूनाइटेड स्टेट के अंदर मंडे के लिए ये है, ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए, थर्सडे के लिए और फ्राइडे के लिए, साथ में यूरो एरिया के लिए जो सभी ट्रिगर हैं वो भी आप देख सकते हो, और इसी के साथ में यहाँ पे भी आप देख सकते हो जापान और चाइना के जो ट्रिगर हैं वो भी आपके सामने हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक राय देना चाहता हूँ, और यहाँ पे क्या राय है वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मैंने आपको बोला है कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, तो यहाँ पे मंडे को ओपनिंग होगी, फ्राइडे को क्लोजिंग होगी। अब आप देख सकते हो कि
न्यू फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होने वाला है, शुरुआत होने वाली है 25 की। तो ये एक हो गया। इसी के साथ में एक से लेकर के 2 तारीख के बीच में बहुत सारे ट्रिगर होने वाले हैं। कुछ जीएसटी के डेटा, ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे। 3 तारीख को जेरोम पावेल की स्पीच होने वाली है, और फिर 4 तारीख को बड़े ट्रिगर नहीं है, 5 तारीख को आप देख सकते हो कि बड़े ट्रिगर रहने वाले हैं। तो आपको मैंने बोला था पहले भी कि ये जो यहाँ पे 5 तारीख तक का ये जो फर्स्ट वीक है, अप्रैल का फर्स्ट वीक है, उस तक आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से बैठना है, आराम से बैठना है। उसके बाद में मार्केट के अंदर जिस टाइप का आप काम करना चाहते थे उस टाइप का आप काम कर सकते हो। बड़े ट्रिगर बाद में नहीं रहने वाले हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 5 तारीख तक आपको सावधान थोड़ा रहना है, बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ में जो भी चीजें करनी है वो करनी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।